मैं डॉक्टर रितिका दुआ, डाइटिशियन एंड आयुर्वेदा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्रैनबेरी ग्रैनुला स्मूदी। ये 90% मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ और इसको लेने से 100% आई विल गारंटीड इसे 1 kg वेट लॉस हो सकता है 1 डे में। और अगर आप इसको अपनी डाइट में डेली का इंक्लूड कर दोगे तो आपका स्टमक, आपका वेट इतना अच्छा लॉस हो जाएगा कि आप कहेंगे थैंक्स डॉक्टर रितिका दुआ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी रेसिपी को। पहले हम क्रैनबेरी की बेनिफिट्स बताएंगे। आप देख सकते हैं क्रैनबेरी में बहुत ही रिच विटामिन सी पाया जाता है और ये बहुत ही अच्छी होती है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फाइबर होता है, आयरन होता है। तो आप देख सकते हैं कितना, और किड्स को भी बहुत पसंद आती है ये चीज़ें, बच्चों को भी। आप दूसरा आ जाते हैं हम ग्रैनुला। ये ग्रैनुला होममेड है, नोट कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर 100% नेचुरल है, फाइबर बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत अच्छा है, किसी तरह का हमने शुगर एडिट नहीं करा। क्रैनबेरी, ब्लैक करेंट, सनफ्लावर सीड्स इसके अंदर बहुत ही अच्छे, और एलिमेंट्स भी डाल रखे हैं, तो वेरी गुड फॉर डाइट, बहुत अच्छे हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। ये आप देख सकते हो मैंने बाउल के अंदर 2 चम्मच क्रैनबेरी पूरी डाल दी है। मैंने गिनती करके पूरे 2 चम्मच डाले हैं और 2 चम्मच ही मैं ग्रैनुला भी डाल रही हूँ। अभी मैंने क्रैनबेरी ऐड करी है। अब आप देख सकते हैं मैंने ग्रैनुला भी 2 TSP ऐड कर लिया है। क्रैनबेरी और ग्रैनुला दोनों को एक ही कटोरी में डाला है मैंने, और बिल्कुल थोड़ी सी लिटिल बिट पानी के साथ इसको हम सोक कर लेंगे 1/2 आवर के लिए। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर, आप देख सकते हैं मैंने वाटर भी इसमें ऐड कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, नॉट वेरी टू मच, इज वेरी लिटिल बिट। अब हम इसको 1/2 आवर के लिए छोड़ देंगे। इसकी 2 रेसिपी आपको शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सोक करके रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस वर्किंग हैं, आप सोक करना भूल जाते हैं, तो विदाउट सोक भी आप बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सोक करना है। मेरे पास टाइम था आज, तो मैंने इसको सोक करके रख दिया 1/2 घंटे के लिए। तो क्योंकि ये फिर मिक्सी में ग्राइंड होने में टाइम नहीं लगाएगा, अगर हम सोक करके नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये विदाउट सोक भी बन सकता है, तो नॉट नेसेसरी टू सोक इट, बट अगर सोक कर देंगे तो बहुत अच्छी। और इस पानी को हमने फेंकना नहीं, इस पानी को भी हमने यूज कर लेना है। ये जो मैंने सोक करा हुआ था 1/2 आवर हो चुके हैं, मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने सोक किया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नॉट नेसेसरी। तो अब हम इसको मिक्सी की जार में डाल देंगे। ये आलमंड मिल्क है, ये मैंने होममेड बनाया, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। आलमंड मिल्क वेरी नेसेसरी टू वेट लॉस एंड इट आल्सो इज़ ग्लूटेन फ्री, तो इसके ना आलमंड मिल्क का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज यू वांट टू द वेट लॉस टू यूज़ ऑफ आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क हैव टू द गुड ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन ई एंड आल्सो इज़ ग्लूटेन फ्री। और डियर जो भी मेरे क्लाइंट PCOD वाले या PCOS वाले होंगे या थायराइड, वो तो आलमंड मिल्क का ही यूज़ करेंगे, और अगर वेट लॉस है तो आलमंड मिल्क। अब ये हम साइड में रखेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने मिक्सी के जार में वो क्रैनबेरी ग्रैनुला जो सोक करा हुआ था इसमें डाल दिया है, और अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं ऐड करा, जो उसमें वाटर था बस उतना ही है इसमें। अभी हम वेट लॉस के प्रोसेसर में हैं, तो ये मेरे पास एक स्लिमिंग हनी है, मैं 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। आपके पास जो भी अपना हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे भी वेट लॉस करना है तो मैं यही स्लिमिंग हनी ऐड करूँगी। मैं स्लिमिंग हनी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो स्लिमिंग हनी को स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी टेस्टी और यम्मी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर इसको ऐड किया है। अब हम मिक्सी चला लेंगे, और अभी हमने और कुछ नहीं है, बस स्लिमिंग हनी, ग्रैनुला, क्रैनबेरी और जो पानी सोक किया था वो उसमें हमने डाला है, और कोई अभी मिल्क ऐड नहीं करा है। हम मिक्सी को चला लेंगे। अगर आप नहीं सोक करते तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 चम्मच क्रैनबेरी, 2 चम्मच ग्रैनुला को थोड़े से लिटिल बिट पानी में इंस्टेंट भी डाल के मिक्सी के जार में ग्राइंड कर सकते हैं, यानी कि पीस सकते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड होगी। मैंने 2 मिनट तक अच्छे से मिक्सी को चलाया जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। मैं इसको ओपन करके आपको जरूर दिखाऊंगी कि कैसे दिख रही है। आप इसे अच्छे से ही ग्राइंड कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है और ग्राइंड हो चुकी है।
अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। ये 1% की मैं बना रही हूँ, तो 200 ml मैंने मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब समर्स हैं तो आइस भी अच्छी लगेगी, ठंडी ठंडी और अच्छी भी लगेगी, तो आप आइस भी ऐड कर सकते हैं। मैं आइस भी लेकर आती हूँ ऐड करने के। मैं ये 4 पीस आइस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम मिक्सी को दोबारा चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी यमी यमी टेस्टी यमी क्रैनबेरी स्मूदी तैयार हो चुकी है। इट्स वेरी टेस्टी, वेरी यमी, बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी टेस्टी यमी यमी। बस अब मैं इसको लेने वाली हूँ। आप भी इंजॉय करें मेरी इस क्रैनबेरी स्मूदी के साथ, आप भी बनाएं और वेट लॉस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम।